सर इसमें सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, एड्रेनालिन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, आईवी कैनुलास है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज द हाइड्रोकॉर्टिसोन, दिस इज द एड्रेनालिन। तो गॉड फॉरबिड अगर किसी भी बेनिफिशियरी को कुछ होता है तो आवर टीम्स विद डॉक्टर्स would be ready to give a shot of life saving drug। उसके बाद ये पूरी सीक्वेंस में अपना वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम एंड ऑब्जर्वेशन रूम में आएंगे और जो कोविन ऐप पे अपलोड होगा उसे हम शॉर्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन। आज हम लोग एक ड्राई रन कर रहे हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इट्स पार्ट ऑफ द नेशनल वाइज ड्राई रन जो कि पूरी इंडिया में हो रही है। इसके हवाले से हमने आज यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया हुआ है, श्रीनगर, जम्मू और कुलगाम। श्रीनगर में 3 इंस्टीट्यूशंस को चूज़ किया गया है, PHC बटमालू, JLM हॉस्पिटल श्रीनगर और PHC निशा। आज आप जहाँ खड़े हैं दिस इज़ PHC निशा। यहाँ पर हमने 25 बेनिफिशरीज को ऑलरेडी लाइन लिस्ट किया गया हुआ है। एक ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, दैट्स कॉल्ड कोविन ऐप। कोविन ऐप पे हमने इन 25 बेनिफिशरीज को अपलोड किया है और एक 5 रुकन की इम्यूनाइजेशन टीम इनको वैक्सीनेट करेगी एज अ पार्ट ऑफ द ड्राई रन। 3 कमरे मैंडेटरी कमरों का इंतजाम किया गया है। पहला है वेटिंग रूम, जैसा आप देख रहे हैं वेटिंग रूम में जो ही बेनिफिशरीज आएगा उसको स्क्रूटनाइज किया गया एज पर द लाइन लिस्टिंग। जो बेनिफिशरी कोविन ऐप पे होगा अपलोडेड वही उसी का शॉट लगेगा, उसी को वैक्सीन हम लगाएंगे। उसमें हम पहले वेटिंग रूम में उनको बिठाएंगे, मेंटेनिंग ऑल सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो भी कोविड मिटिगेशन के हवाले से हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क। उसके बाद हम उन बेनिफिशरीज को वैक्सीनेशन रूम में लेंगे, वहाँ पर उनको शॉट लगेगा वैक्सीन का, एक डेमो शॉट लगेगा। उसके बाद उनको तीसरे इंपॉर्टेंट रूम में रखा जाएगा विच इज़ कॉल्ड दी ऑब्जर्वेशन रूम। ऑब्जर्वेशन रूम में उनको रखने का मुद्दा मकसद 30 मिनट, मैंडेटरी 30 मिनट रखा जाएगा, वो ये है कि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई गॉड फॉरबिड कोई सिंकप ना हो, एलर्जी ना हो, उसको बचाने के लिए उनको 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। जब वो 30 मिनट तक बिल्कुल ठीक होंगे उसके बाद उनको हम घर भेज देंगे। इस पूरी ड्राई का मुद्दा व मकसद ये है कि हम लोग जब वैक्सीन आए तब हम देखें कि कोई लैकुना, कोई लूप होल ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लॉजिस्टिक के हवाले से या मेंटेनिंग को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के हवाले से।